हाय गाइस, दिस इज अभिजीत, वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं काम से। मेरे को थोड़ा लेट हो गया कि कल थोड़ा सा पार्टी था, उसमें थोड़ा लेट हो गया। कड़मबोली में मीटअप पॉइंट है, कामशेद में हम लोग जा रहे हैं। नेटिव प्लेस करके जगह है, होटल है, वहाँ पे जा रहे हैं। पे आप लोग पैराग्लाइडिंग ऐसा भी कर सकते हैं। मेरा डाउटफुल है पैराग्लाइडिंग करना, क्योंकि उधर मिनिमम 90 मतलब मैक्सिमम 90 केजी वेट चाहिए अपना, उससे ज्यादा ही है, 120 है मेरा तो। कामशेद ये बोरेली से ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर है। अगर आप बाइक से जाते हो वहाँ पे, तो समझो एक दो बार बीच में रेस्ट भी किया चाय पीने के लिए रुका, तो भी पकड़ के चलो मिनिमम 4 घंटे में आप आराम से पहुंच जाओगे वहाँ पे, डिपेंड ऑन ट्रैफिक। बट सुबह जल्दी निकलोगे तो आराम से पहुंच सकते हो। वहाँ पे कामशेद में एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। जो मेरे हमारे साथ सलील करके बंदा है, जो हमारा दोस्त है, वो ही हमको लेके जा रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे रेगुलरली जाता है। तो देखते हैं, अभी आगे एक्सप्लोर करते हैं कैसे क्या है लोकेशन। ब्रेकफास्ट तो हो गया हम लोग का, अच्छा था। अभी हम लोग पूरन हाईवे पकड़ के निकल रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से 2 घंटे में तो पहुंच जाएंगे हम लोग, देखते हैं ट्रैफिक चालू हो जाएगा। ये इतना मस्त रोड है ना पूरन हाईवे, सीधा पनवेल के बाहर निकाल दे, पनवेल सिटी में जाने की जरूरत ही नहीं है। और खाली है पूरा, ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये पनवेल पूना ओल्ड हाईवे जो है ना, अभी थोड़ा ट्रैफिक है। देखो ना, सुबह हम लोग थोड़ा लेट हो गए निकलते निकलते, ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, ऐसा गैप ढूंढ ढूंढ के निकलना पड़ेगा। और ये स्पीड ब्रेकर, कितना स्पीड ब्रेकर है यार, यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड नहीं पकड़ेगी स्पीड ब्रेकर आ जाता है। अभी एक कामशेद गांव में एंट्री किया है हम लोग, देखते हैं कहां पे कैसे जाना है। अभी ये सलील करके हमारा नया राइडर ज्वाइन हुआ है वापस। अभी ऑफ रोडिंग का रोड खत्म हो गया, अच्छा वाला रोड चालू हो गया। ये राइट साइड में विंड मिल है पूरा, वहां पे जाना है आपको। अगर दिखना नहीं रहेगा गोप्रो से, पास में जाके दिख जाएगा। गोप्रो में जूम फीचर होना चाहिए था, मजा आता था। विंडमिल वाला लोकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ पे हम लोग ट्रेल करके जाने वाले हैं, तो वो ट्रेल का भी मजा आपको उसमें मिलेगा। ये बाइक लेने के बाद है ना, इतना घूम रहा हूँ ना मैं भाई, ये सब जगह खाली है ना, सोचते रह गया था मैं। इधर जाएंगे उधर जाएंगे काम करने के टाइम, देखो ना क्या मस्त माउंटेन्स है सडन, अच्छा जगह यार कामशेद। आने के टाइम हम लोग को बीच में अभी डैम भी लगा था, वो भी मस्त डैम था। अभी देखते हैं, आपको दिखाऊंगा। थोड़ा लंबा था इसके लिए मैंने वो टाइम पे गोप्रो चालू नहीं किया, क्योंकि दिखेगा नहीं उसमें। कामशेद जब से ज़्यादा पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है, बट यहाँ पे कोई भी आ रहे हो आप तो 90 केजी मैक्सिमम वेट है तो ही वो पैराग्लाइडिंग कर सकता है, नहीं तो अलाउड नहीं है पैराग्लाइडिंग 90 केजी के ऊपर। तो कभी भी आओगे तो मूड ऑफ मत करके लेना, यहाँ पे आके पहले ही थोड़ा सा सर्च करके आना, या जहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे हो उनसे बात करके कंफर्म करके आना। नहीं तो बहुत बार ऐसे होता है कि पब्लिक आ जाता है फिर, क्योंकि तो पैराशूट का कैपेसिटी ही उतना है। देखो ना क्या मस्त माउंटेन रेंज है बगल में, सब क्या मस्त लग रहा है। देखो सामने हम लोग अभी कोंडेश्वर टेम्पल जा रहे हैं कामशेद का, एक काफ़ी प्राचीन टेम्पल है। तो देखते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, ऐसे काफ़ी पुराना टेम्पल है ऐसा बोलते हैं। क्या मस्त जगह है, ये टेम्पल के पास आ गए अभी हम लोग, यहाँ पे पार्क करना है बाइक और फिर चल के जाना है। पार्किंग एरिया से ज़्यादा चलना नहीं है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट, नीचे साइड में ही है जहाँ से काफ़ी जन ट्रैकिंग करने भी जाता है, जिसके लिए यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ भी लगी हुई है। ये शंकर भगवान का मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, इसके अभी अंदर जाके देखते हैं, अगर फोटो अलाउड किया तो ठीक है, देख लेते थोड़ा सा। यही वो पुराना टेंपल है यहाँ पे अभी हम लोग गए थे। इधर के जो लोकल गांव वाले लोग हैं वो बता रहे थे शिवाजी महाराज के टाइम से ये टेंपल है, वही टाइम पे बनाया हुआ है। ऑफ रोडिंग चालू, ये देखो डैम है सामने मस्त भाई, फुल ऑफ रोड है पहुंचने के लिए। आई बस
देखो एकदम डैम के पास में है हम लोग, एकदम उसके वॉल के पास। शाबाश, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेशन होता है। ये देखो ये डैम का वॉल है, यहाँ पे गेट खुला है तो हम लोग थोड़ा अंदर भी जा रहे हैं। यहाँ पे काम चल रहा है आगे, देखो क्या मस्त डैम। यहाँ पे पावर जनरेशन भी होता है, यहाँ पे उसके वॉल्स है जो यहाँ के पानी के गेट खुलते हैं। ये देखो आवाज आ रहा है पानी का आपको, साउंड आ रहा है। ऐसे गेट्स है पानी के अंदर, ये देखो। काफी मस्त जगह है। हम लोग अभी ये सामने वाले जगह पे जा रहे हैं, वहां पे हमारा होटल है नेटिव प्लेस करके। ऑफ रोडिंग क्या कॉन्फिडेंस देता है ये ऑफ रोडिंग में यार बाइक। चलो अभी यहाँ से होटल ही जा रहे हैं, वो डैम के अपोजिट साइड में। अभी दोपहर के बाद हम लोग जाएंगे विंडमिल का ट्रेल पे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा ट्रेल का, विंडमिल ट्रेल का, तो देख लेना प्लीज। और अभी तक वीडियो में रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।